सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट एंड कमाल के टेक न्यूज के बारे में, तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टेक न्यूज है वो है गूगल और अमेजोन के फाइन के बारे में, जहां पे CNIL एक फ्रांस का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एजेंसी है जो इसने इसके ऊपर कुकीज और जो कैशा होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री का, उसका रूल्स को फॉलो नहीं करने का लिए 100 मिलियन यूरोस गूगल पे और 35 मिलियन यूरोस अमेजोन पे फाइन डाला है, जहां पे दोनों को फाइन को भरने बोला गया है और सारे चीज को फिक्स करने के लिए बोला गया है। तो काफी बड़ा अमाउंट निकल के आता है जो इन दोनों को कंपनी को फाइन में भरना होगा रूल्स नहीं फॉलो करने के लिए। तो जो हमारा अगला न्यूज है वो इंडियन यूजर्स का डेटा लीक के बारे में है, जहां पे कुछ 7 मिलियन इंडियन सिटीजन्स का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक हो गया डार्क वेब में, जहां पे काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, जहां पे ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ये सब के चांसेस बढ़ जाते इन यूजर्स के साथ में जिनका कार्ड डिटेल्स क्रेडेंशियल्स लीक हो चुका है डार्क वेब में। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो जो भी नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट्स है वहां पे कार्ड डिटेल्स ना डाले, वहां पे कहीं ऐसा पेमेंट ना करे और अपना पर्सनल डिटेल्स को सब नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट्स में कहीं भी यूज ना करे। तो जो हमारा अगला न्यूज है वो है गूगल हेल्थ स्टडी ऐप के बारे में, जहां पे गूगल ने एक हेल्थ स्टडी का रिसर्च के ऊपर एक ऐप बनाया, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके सर्वेस कर सकते हो, जैसे कोरोना वायरस हो गया उस बीमारी, अलग अलग बीमारी इन्फ्लुएंजा, ये सब के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, आप अपने सर्वेस सबमिट कर सकते हो, आप अलग अलग सिम्टम्स के बारे में यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू जो भी रिसर्च स्टडीज होता है उसमें काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ काफी अच्छा स्टेप हमें देखने को मिल जा रहा है गूगल की तरफ से। तो उसके बाद जो हमारा अगला न्यूज है वो MI 10 के बारे में, जहाँ पे MI 10 यूजर्स को एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा इंडिया में, क्योंकि इसका रोल आउट स्टार्ट हो चुका है, और उसके साथ साथ में MIUI 12 का भी अपडेट, दोनों एक साथ एक कॉम्बो अपडेट होगा, जहाँ पे ये फर्स्ट अपडेट है एक MI फोन में, यहाँ पे पहला फोन MI 10 में ही एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल रहा है, उसके साथ MIUI 12 का भी अपडेट सबसे पहले इसी फोन में देखने को मिल जाएगा। तो एकदम अपडेटेड वर्जन यूजर्स यूज कर पाएंगे इंडिया में। तो देखते हैं कि बाकी सारे फोन्स में Xiaomi कब तक ये अपडेट्स को देता है। तो जो अब हमारा अगला न्यूज है वो है गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, जहाँ पे इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया था, जहाँ पे कई सारे एक्सटेंशन को क्रोम से रिमूव कर दिया गया था कि वो प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते थे, बट अभी उसके बाद में कुछ और एक्सटेंशन पे लिमिटेशन दे दिया गया है, जहाँ पे वो कुछ लिमिटेड यूजर डेटास को ही ले सकते हैं, जहाँ पे वो बहुत सारे चीजों का रिस्ट्रिक्शन दे दिया है क्रोम ने। तो ये काफी अच्छा स्टेप लिया है, जहाँ पे यूजर का डेटा का सिक्योरिटी और प्राइवेसी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो हमारा अगला न्यूज है वो है मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑफ 2020 के बारे में, जहाँ पे हर साल से फेसबुक जीतता था, जहाँ पे पहली बार फेसबुक को ओवरटेक करके टिकटॉक बन गया है मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑफ 2020 यहाँ पे इंडिया में। तो बैंड और देखो कब तक आता है, क्या सीन चल रहा है एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, बट तो भी ग्लोबली टिकटॉक बन गया मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑफ 2020। तो उसके बाद जो हमारा अगला न्यूज है वो है Redmi 9 Power के बारे में, जहाँ पे इसका इंडिया का लॉन्च डेट सामने आ गया, जो हमें दिसंबर 17 को देखने को मिलने वाला है इंडिया में लॉन्च, जहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल पैकेज होने वाला है, और ये Redmi 9 सीरीज का ही एक फोन होने वाला है Redmi 9 Power, और ये हमें 12 बजे 17 दिसंबर को सेल देखने को मिल जाएगा। तो और देखते हैं कि Redmi इसका क्या प्राइसिंग रखता है इंडिया में और क्या कुछ कमाल फीचर लेके आ जाता है ये फोन अपने साथ में। तो उसके बाद जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड गेमिंग के बारे में, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्सबॉक्स में न्यू फीचर डाल दिया क्लाउड गेमिंग का, जहाँ पे आप बिना गेम को डाउनलोड किए ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू गेम खेल सकते हो, जहाँ पे अगर आपके पास गेम पास है तो आप अल्टीमेट गेमिंग कर सकते हो इसी गेमिंग क्लाउड में, जहाँ पे ये iOS और PC में ही सिर्फ अवेलेबल है, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए फिलहाल नहीं है। तो अगर आपके पास एक iOS डिवाइस है या PC है तो आप एक्सबॉक्स के गेम्स को खेल सकते हो बिना डाउनलोड किए डायरेक्ट नेट की मदद से। तो जो हमारा अगला न्यूज है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के बारे में, जहाँ पे कुछ इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो गया है इंडिया में, बट कुछ सिलेक्टेड ऑफलाइन स्टोर्स में हुआ है, सैमसंग के जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स है उसी में मेनली बेंगलोर एरिया में हुआ है, जहाँ पे एकदम ब्लाइंड प्री ऑर्डर है, जहाँ पे बिना स्पेसिफिकेशन का आप कुछ अमाउंट 2000 रुपीज पे करके उसे ऑर्डर कर सकते हो, और जब भी फोन आएगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जहाँ पे इसका एक और डिटेल सामने आ रहा है, जहाँ पे फोन में एक अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, और ये पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होने वाला है और बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो देखो ये कब तक लॉन्च होता है ये गैलेक्सी S21 इंडिया में। तो उसके बाद जो हमारा आखिरी न्यूज है
वो है गूगल का ईयर इन सर्च 2020 के बारे में, जहाँ पे हर साल मोस्ट सर्च टॉपिक्स को गूगल एक लिस्ट आउट करता है। जहाँ पे इस साल का जो मोस्ट सर्च कीवर्ड है गूगल में वो है इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। मतलब आईपीएल का इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज है कि मोस्ट सर्च टॉपिक बन गया 2020 का। और उसके बाद जो मोस्ट सर्च टॉपिक्स है वो हो गया कोरोना वायरस, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स और हो गया आपका पीएम किसान योजना। तो यही कुछ चार टर्म्स है जो 2020 का ट्रेंड रहा और मोस्ट सर्च कीवर्ड बन गया है गूगल का। तो यही सब थी पूरी कहानी आज के टेक न्यूज के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स इसी टेक न्यूज के बारे में। आपको सजेशंस भी नीचे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोस आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।